बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल ऑफ नेगोशिएटिंग बैंक, ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की और ये क्वेश्चन में भी था। प्राची कपूर शायद कोई खतून है, तो इन्होंने लिखा था कि दोबारा बोल दे, तो दोबारा तो नहीं लेकिन मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की जो नेगोशिएशन होती है वो सिर्फ वन टाइम यानी कि एक किस्म की पेमेंट के अगेंस्ट होती है, जबकि एक्सपोर्ट में पेमेंट के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सिक्स हैं। तो सिक्स में से ओनली वन मेथड इज़ यूजिंग फॉर नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब वो जो सिक्स मेथड हैं उनमें नंबर वन मेथड होता है कैश पेमेंट का, इसको कैश इन एडवांस भी कह सकते हैं, और नंबर दो मेथड होता है ओपन अकाउंट का, इसको आप समझें कि जी शिपमेंट आपने कर दी है और पेमेंट बाद में आ सकती है किसी वक्त भी, 10 दिन बाद भी, 30 डेज भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, मतलब ओपन है तो ये पेमेंट आपको बाद में आएगी। यानी ये दो एंड है, एक ये कि जी जो एक्सपोर्टर है वो इम्पोर्टर पे बिल्कुल यकीन नहीं करता और वो कहता है कि मैं, मुझे एडवांस पेमेंट मिलेगी तो मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरे एंड पे एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, या कोई रिलेटिव है, कोई ऐसा रिश्ता है कि उसको पता है कि पेमेंट आनी है, इसमें कोई मसला नहीं, तो अगर बिल्कुल यकीन नहीं करता तो फिर वो एडवांस मांगेगा, और अगर वो अंधा यकीन रखता है तो वो कहेगा भाई मैं भिजवा देता हूँ, कोई नहीं, पेमेंट कर देना, बेच के कर देना, जब तुम्हारी चीज़ें सेल हो जाए तो पेमेंट कर देना। तो इस तरह से ये दो एक्सट्रीम एंड है कि नंबर वन एडवांस पेमेंट इन कैश, और नंबर दो कि मैं आपको चीज़ें भिजवा देता हूँ, जब आपका दिल करे पेमेंट कर दीजिएगा। नंबर तीन होती है एक्सपोर्ट में जो पेमेंट हो सकती है वो कंसाइनमेंट बेसिस होती है। ये ऐसी शिपमेंट होती है जो उन कंट्री में जाती है जहाँ पे फ्री मार्केट होती है, जैसे दुबई की मार्केट है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर अपने शिपमेंट्स भिजवा देते हैं और वहाँ पे जो लोग मिडल मैन बैठे होते हैं, जो कमीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो उस कंसाइनमेंट को लेते हैं, रखते हैं, और जब वो सेल होती है तो फिर उसकी पेमेंट पीछे एक्सपोर्टर को कर देते हैं और अपना प्रॉफिट उसमें से कुछ रख लेते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटर टाइप की सेल भी आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर के जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होते हैं वो उनको इस बेस पे भिजवाते हैं कि जब सेल हो तो पेमेंट कर दीजिएगा, अगर ना सेल हो तो शिपमेंट वापस भी मूव हो सकती है। ये तीसरी जो है टर्म है आप एक्सपोर्ट जिस पे कर सकते हैं। चौथी है एलसी की टर्म, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जिसमें एलसी इन्वॉल्व होती है, और सिर्फ यही वो मेथड है जिसके ऊपर नेगोशिएशन होती है, जिसमें एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली बैंक को प्रेजेंट किए जाते हैं, और नेगोशिएशन मैंने पिछली वीडियो में एक लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था कि नेगोशिएशन क्या होती है। तो लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो इस तरह नीचे जाएं देखें, वो तो वीडियो बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो दोबारा उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि नेगोशिएशन होता है किसी दो चीज़ों का एक जगह आके मिल जाना। वो दो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं जो आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए, कुछ मेल मिलाप करते, कुछ मेल जोल करते, कुछ मैचिंग करते हुए किसी एक जगह आके एग्री हो जाएं, तो उसको कहते हैं नेगोशिएशन। तो और इस जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ लीगल एविडेंस भी होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए कि ये जिसको लीगली क्लेम किया जा सके, कि अगर डिस्प्यूट आए तो आप उसको क्लेम कर सके, सिर्फ एग्री कर जाना नेगोशिएशन नहीं है। और एग्जांपल इसकी यही है कि अगर प्रोक्योरमेंट वाले अपना वेंडर से या सप्लायर से नेगोशिएट कर रहे हैं तो किसी बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो दोनों जब डिस्कशन किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, दोनों एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम इस टर्म्स एंड कंडीशन या इस रेट के ऊपर एग्री करते हैं, तो उसको
नेगोशिएशन का एंड कहेंगे कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई, और उसके पीछे जो लीगल एस्पेक्ट होगा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या परचेज ऑर्डर साइन करेंगे दोनों पार्टीज़, तो वो उसका लीगल इम्पैक्ट है। और जब हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कि एक साइड पे एलसी होती है, एक साइड पे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब जब हम डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं बैंक के अंदर कि जी ये नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स है तो आप हमारी पेमेंट मंगवा दें, तो अब वो जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो अब भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी इससे पहले नेगोशिएटिव बैंक का कोई रोल नहीं था। जो इम्पोर्टर है उसने एलसी ओपनिंग बैंक में जाके एलसी खोली, वो एलसी एडवाइजिंग बैंक में आई, एडवाइजिंग बैंक ने एक्सपोर्टर को एलसी प्रोवाइड कर दी, अब एक्सपोर्टर ने शिपमेंट करके जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो या एडवाइजिंग बैंक या किसी भी दूसरे बैंक में जाके वो कहेगा जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक के लिए दोनों चीज़ें एलसी भी डॉक्यूमेंट्स भी दोनों चीज़ें अननोन है, फर्स्ट टाइम वो एक इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। तो वो क्या करेगा, वो ऑनेस्टली उसको यानी नेगोशिएट करने का मकसद कि वो दोनों को मैच करेगा, वो देखेगा कि एलसी में शिपमेंट डेट क्या थी और बीएल के ऊपर शिपमेंट डेट क्या है, क्या इसने उस डेट के अंदर शिपमेंट कर दी है, और एलसी की एक्सपायरी क्या थी, क्या एलसी वैलिड है जब शिपमेंट हुई, क्या जो डिस्क्रिप्शन एलसी में लिखी हुई है गुड्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, रेट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है एलसी के अंदर, क्या वही इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है, पैकिंग लिस्ट के अंदर वही डिस्क्रिप्शन है, कितने कार्टन है, कितना वेट है, ये सब चीज़ें एलसी के मुताबिक हैं। अगर एलसी के अंदर कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कोई प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन लिखी हुई है, किसी कोई कोई स्पेशल सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं एक्सपोर्टर के कंट्री से लेने के, तो क्या वो अटैच हैं, और क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो इम्पोर्टर का नेम है एलसी पे एग्जैक्ट वही नेम एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो एलसी के अंदर जितनी क्लाइजेज होंगी ऊपर से नीचे तक वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच की जाएंगी। अगर तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एज़ पर एलसी करेक्ट हैं तो इसका मतलब कि वो सक्सेसफुल नेगोशिएशन है। अब इसमें लीगल पहलू क्या है कि वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, दूसरी साइड पे जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग लगा है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो शिपिंग लाइन इशू करती है, फिर इनवॉइस एक्सपोर्टर के लेटर पैड पे वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि एक्सपोर्टर अपने लेटर पैड पे कुछ लिख के साइन और स्टैंप कर रहा है, तो जब कोई बंदा किसी पेज पे कुछ लिखे और उसको साइन और स्टैंप कर दे तो उसकी लीगल वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब कि दोनों साइडों से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, एक साइड पे एलसी है इम्पोर्टर की, एक साइड पे डॉक्यूमेंट्स है एक्सपोर्टर के, और दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल नेगोशिएशन है। तो अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है जो बिल्कुल एक उसकी इंडिविजुअल एंटिटी है, वो कोई उसकी दोनों साइडों पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने जस्ट नेगोशिएट करना है कि क्या दोनों डॉक्यूमेंट्स ट्रू हैं करेक्ट हैं एज पर डॉक्यूमेंट्स दोनों मैच करते हैं, तो उसने वो सारे कंपाइल करके तो एलसी ओपनिंग बैंक को भिजवा देना है कि जी ये डॉक्यूमेंट नेगोशिएट हुए हैं मेरी तरफ से, तो आप इसकी पेमेंट मुझे भिजवा दें, या जो नीचे रीइंबर्समेंट बैंक का नाम एड्रेस लिखा होगा एक मैसेज वो उधर करेगा डॉक्यूमेंट्स एलसी ओपनिंग बैंक को भिजवा देगा कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने इस एलसी के नेगोशिएट किए हैं, रीइंबर्समेंट बैंक को लिखेगा कि मैंने नेगोशिएट किए हैं ये एलसी रेफरेंस ये वो, तो आप इसकी पेमेंट जो इतनी अमाउंट बनती है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दें क्योंकि एलसी में आपका नाम लिखा हुआ है। और जब वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे एलसी ओपनिंग बैंक को, वो भी देखेगा कि ये क्लीन डॉक्यूमेंट्स है एज़ पर एलसी हैं, तो वो इम्पोर्टर की जो पेमेंट या उसके पास पड़ी होगी या उसके मंगवाएगा कि जी पेमेंट करें और डॉक्यूमेंट्स ले लें, और वो पेमेंट विद इन ए डे या सेम या नेक्स्ट डे जो रीइंबर्सिंग बैंक होगा उसको मैसेज करेगा, स्विफ्ट मैसेज करता है, टेलेक्स करता है, जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसके पास हो, तो वो रीइंबर्सिंग बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने रिसीव कर लिए हैं, आप इसकी पेमेंट
नेगोशिएटिंग बैंक जो कि ये बैंक है, ये उसका स्विफ्ट कोड है, ये एड्रेस है, ये आई बैन है, तो इसको आप ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से दोनों तरफ से उसको जो रिम्बर्सिंग बैंक है उसको नेगोशिएटिंग बैंक से भी मैसेज आ गया, एलसी ओपनिंग बैंक से भी आ गया, और वो उसको रिम्बर्सिंग बैंक एलसी नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट कर देगा। रिम्बर्सिंग बैंक के ऊपर अभी नेक्स्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो दरमियान में क्वेश्चन एक के बाद एक आ जाता है, तो वो वीडियो फिर मैं आगे कर देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट रिम्बर्सिंग बैंक क्या करता है, किस तरह से फंक्शनिंग करता है, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है, जो कल परसों या शायद एक आध दिन में उसकी बारी आ जाएगी। मतलब आगे फॉरवर्ड जो है ना, ये सारा कंप्लीट करके वीडियो अपलोड की हुई है, तो डेली एक ऐड हो जाती है, लेकिन जब दरमियान में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मैं उसको और आगे करके तो दरमियान में वो लगा देता हूँ। मतलब आज की जो वीडियो है वो आगे कर दिया, तो इसकी जगह जो प्राची कपूर का रिक्वेस्ट थी कि जी दोबारा से कर दें, तो मैंने कहा कि इसको दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, तो इस तरह नेगोशिएटिंग बैंक का जो पूरा रोल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बात शुरू हुई थी कि पेमेंट के 6 मेथड होते हैं, जिनमें से या एडवांस पेमेंट होगी या बिल्कुल पेमेंट नहीं होगी और ब्लाइंडली उसके ऊपर फेंक दिया जाएगा इंपोर्टर के ऊपर कि ये लो भाई कंसाइनमेंट भिजवा दिया, बेचना और पेमेंट कर देना। एडवांस पेमेंट को एडवांस पेमेंट कहेंगे या कैश पेमेंट कहेंगे, और दूसरा जब एक्सपोर्टर बगैर पेमेंट के भिजवा देता है तो उसको ओपन अकाउंट शिपमेंट कहते हैं, और तीसरा कंसाइनमेंट बेस शिपमेंट होती है, जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी फ्री ट्रेड मार्केट में जैसे सेल करने के लिए भिजवा दी जाती है। दुबई में जितना बिजनेस होता है वो कंसाइनमेंट बेस बिजनेस होता है, लोग वेजिटेबल फ्रूट क्लॉथिंग केमिकल मतलब लातदार चीज़ जो वहाँ सेल होती हैं मार्केट में वो कंसाइनमेंट बेस होती हैं। एक्सपोर्टर अपने कंटेनर मल्टीपल कंटेनर मतलब 10-20-50 कंटेनर लोड करते हैं और वहाँ भिजवा देते हैं, तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं लोग कमीशन एजेंट वो उसको अपने गोदाम में स्टोर करते हैं और उनको सेल करना शुरू कर देते हैं। अब जो मार्केट की प्राइस होती है वो एक्सपोर्टर ट्रस्ट कर रहा होता है, तो उस मार्केट की प्राइस के ऊपर फिर उसको सेल करके कमीशन एजेंट अपना कमीशन रख के बाकी पेमेंट एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब ये 8 पार्टीज ऑफ इन्वॉल्व इन एलसी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये थर्ड था, चौथा जो है वो एलसी वाली शिपमेंट है जिसके ऊपर नेगोशिएशन होती है, बैंक नेगोशिएशन, और उसकी पेमेंट वहाँ से हो जाती है। और पांचवा और छठा जो है वो सीएडी बेसिस की शिपमेंट होती है, कैश अच्छा सीएडी होता है सीओडी होता है सॉरी सीएडी लोकली होता है, ये जो हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं। एक्सपोर्ट में सीओडी होता है, नहीं मेरा ख्याल मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सीओडी लोकल मार्केट का होता है कैश ऑन डिलीवरी, और सीएडी एक्सपोर्ट में होता है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स सॉरी मैं थोड़ा अभी आजकल फेसबुक्स में बहुत सारे ऐड आते हैं जिसमें सीएडी सीओडी होता है, और मैं भी कुछ मंगवाता रहता हूँ तो वो सीओडी और सीएडी का थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट सीएडी, तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं, नंबर वन कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एट साइट होता है, और नंबर दो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, 30 डेज 60 डेज 90 डेज 120 डेज, और स्पेशल केसेस में 180 डेज भी होता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 120 डेज तक नॉर्मल परमिशन है कि आप 120 डेज का क्रेडिट दे सकते हैं इंपोर्टर को, और 180 डेज तक के लिए स्पेशल फिर परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट बैंक से, तो 180 डेज तक भी अलाउड है। तो इस तरह से पांचवी और छठी जो टर्म है जहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती है वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, कि या तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एट साइट होंगे कि जब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिलें
बैंक को जिसने आगे एडवाइस करने है एक्सपोर्टर को, इसमें एलसी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो वो उसी वक्त उसकी पेमेंट इंपोर्टर बैंक को करेगा, बैंक उसको डॉक्यूमेंट्स दे देगा और वो अपनी क्लियरेंस करा लेगा, कोई एलसी इन्वॉल्व नहीं है। बस एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के ट्रस्ट के ऊपर के भी ये पेमेंट कर देगा, शिपमेंट कर दी और उसके डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक से कहा कि भाई ये मेरी पार्टी है इस कंट्री में, तो आपका जो भी वहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस बैंक है आप उसके थ्रू एक्सपोर्टर को भिजवा दें। तो जब वो एक्सपोर्टर का बैंक उस कंट्री में भिजवाएगा डॉक्यूमेंट्स किसी बैंक को, तो वो बैंक एक्सपोर्टर को दे इंपोर्टर को देगा, इंपोर्टर उसको पेमेंट कर देगा और वो बैंक वापस पेमेंट इधर आ जाएगी और एक्सपोर्टर को मिल जाएगी। तो ये CAD जो है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एट साइट है कि फौरन पेमेंट हो जाएगी, जब भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे पेमेंट हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट जो टाइम बेस होगा, यूजेंस भी कहते हैं इसको, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, 30 डेज हो सकते हैं, 60 डेज हो सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स जब एक्सपोर्टर के बैंक में जाएंगे और इसमें भी LC इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स में से बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इंपोर्टर को देंगे कि भाई आप इसमें एक्सेप्टेंस दें, अपनी साइन स्टैम्प करें और हमें वापस कर दें और हम आपको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो अब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो बिल ऑफ चेंज इज सिमिलर लाइक प्रोमिसरी नोट जो कि कैशेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंपोर्टर स्टैंप साइन करके गारंटी देता है कि मैं ये पेमेंट इतने दिनों बाद आपको पे कर दूंगा। तो जब वो ये प्रॉमिस करता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके, तो डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को दे दिए जाते हैं, वो कंसाइनमेंट रिलीज करवा लेता है और पेमेंट फिर उतने दिन बाद बैंक को मिलती है और वो बैंक इधर एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये 6 टर्म जो हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट हो सकती है, इनमें और बड़ी बहुत सारी कन्फ्यूजन भी हैं और क्लैरिफिकेशन वाली चीज़ें भी हैं और आपके माइंड में भी कुछ आ रही होंगी कि अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो इन 6 को सेपरेटली मैं फिर डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी मकसद था कि इन 6 में से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नेगोशिएशन होती है जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की, और वो होती है सिर्फ LC के अगेंस्ट। पर नेगोशिएशन क्या होती है, दो चीज़ों का मैच करना, और वो बैंक जो एक्सपोर्टर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर जब बैंक को डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है कि जी ये मैंने शिपमेंट कर दिया, तो ये उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बैंक नेगोशिएटिंग बैंक कहलाता है और वो बैंक फिर डॉक्यूमेंट्स को वापस जो LC ओपनिंग बैंक है वहाँ भिजवा देता है। LC ओपनिंग बैंक इंपोर्टर को देगा, इंपोर्टर अपना सामान कस्टम से क्लियर करवा के अपने पास रख लेगा। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।